कहानियाँ। हम आपके लिए लाए हैं एक सुंदर सी कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए लाए हैं प्रतिदिन की तरह आज भी एक सुंदर सी कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए लेके आए हैं एक सुंदर सी कहानी। कहानी छोटी पर बात बड़ी। तो लीजिए, आज हमारी कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूं। आप मेरा रूप धारण करो और घूम के आ जाओ, मैं खड़ा होके आपकी जगह पर भक्तों को दर्शन देता रहता हूं। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सब के लिए प्लानिंग कर रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। और वो माथा टेकता है तो उसके पर्स नीचे गिर जाता है, वो बिना पर्स लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है, वो सोचता है कि रोक कर उसे बताएं कि पर्स गिर गया, लेकिन शर्त की वजह से वो नहीं कर पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ नहीं, भगवान मेरी मदद करो। तभी उसकी नजर पर्स पर पड़ती है, वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है, वो नाविक होता है और वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिन के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूं, यात्रा में कोई अड़चन ना आए भगवान। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस लेकर साथ आता है और कहता है, मेरे बाद ये नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाभिक को ले जाते हैं हथकड़ी डालकर। तभी सेवक बोल पड़ता है। अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी उसे पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि पूरा का पूरा बिगाड़ा है। वो व्यापारी गलत धंधे करता है, अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता, इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूख नहीं मरते। रही नाविक की बात, तो वो जिस यात्रा पर जा रहा था वहां तूफान आने वाला था, अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तुमने सब गड़बड़ कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमको यही सिखाती है, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी परेशानियां आती हैं जब हमें लगता है कि मेरे साथ ये हुआ क्यों, मेरी असफलता के पीछे भगवान का हाथ है, लेकिन इसके पीछे भगवान की प्लानिंग है। जब भी कोई परेशानी आए, उदास मत होना, क्योंकि जो हो रहा है गीता का यही सार है, अच्छा हो रहा है जो होने वाला है, अच्छा होने वाला है, जो हो गया वो भी अच्छा होने वाला है। हम फिक्र ना करें, चिंता ना करें किसी दृश्य को देखकर, प्रेजेंट में जो हो रहा है सचमुच मेरे लिए कुछ परमात्मा ने अच्छा सोचा है। किसी ने सही कहा है, एक तेरा ही रंग चढ़ा है मुझ पे, दूजा कोई रंग नहीं, तू ही है सुबह शाम मुझ में और कोई संग नहीं। तुम आओ ना आओ मेरे बाबा, मैं तुम्हें यूं ही बुलाए करूं, तुम सुनो ना सुनो मेरे बाबा, मैं तुम्हें यूं ही पुकारा करूं, तुम मिलो ना मिलो मेरे बाबा, मैं तुम्हें यूं ही पाना चाहूं, तुम कहो ना कहो मेरे बाबा, मैं तुम्हें यूं ही सुना करूं, तुम देखो ना ना देखो मेरे बाबा, मैं तुम्हें यूं ही निहारा करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहने की बात है कि हमारा सच्चा प्यार अगर परमात्मा से है तो उन पर विश्वास रखो, ये विश्वास ही हमें सफलता की राहों पर ले जाता है और हमारी सदा सुरक्षा करता है। ओम शांति।
हमारे इस चैनल में अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ।